यहां से लेकर यहां तक है ऐसे। ये गुजरात का सबसे बड़ा जिला है और साथ ही भारत का भी सबसे बड़ा जिला है ना। इसे हम कच्छ जिला कहते हैं। कच्छ जिले का जो ये उत्तरी वाला क्षेत्र है, केवल इतना, ये उत्तरी क्षेत्र, पूरा उत्तरी क्षेत्र दलदली है। कच्छ जिले के इसी उत्तरी दलदली भाग को हम क्या कहते हैं, इसी उत्तरी दलदली भाग को हम कहते हैं कच्छ का रण। रण का मतलब दलदल होता है। ये एक लवणीय दलदल है। लवणी मतलब नमकीन खारे पानी से बना हुआ दलदली क्षेत्र है। कच्छ के रण का जो सबसे पश्चिमी सिरा है उसे हम कहते हैं सर क्रीक। सर क्रीक, सर क्रीक पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। सर क्रीक भी इसी कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में ही सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। इसी सर क्रीक में गौर मोता या गुहार मोती है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबिथू। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि बी थू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित किबिथू है। किबिथू वह बिंदु है जहां पर भारत, चाइना और MY मतलब म्यांमार, किबिथू वह बिंदु है जहां पर चीन, भारत और म्यांमार की सीमाएं आपस में स्पर्श करती हैं, आपस में मिल जाती हैं। यह हो गया भारत का सबसे पश्चिमी और पूर्वी बिंदु। मैंने बताया कि भारत का देशांतरी विस्तार भी 30 देशांतरों के मध्य है। जब आप भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से लेकर सबसे पूर्वी बिंदु की मध्य यात्रा करेंगे तो आप कितनी दूरी चलेंगे, 2933 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यहां पर एक जानने वाली बात है कि भारत का अक्षांशी विस्तार भी 30 अक्षांशों के मध्य है और भारत का देशांतरीय विस्तार भी 30 अक्षांशों के मध्य है।